वेलकम बैक टू माय चैनल रूबीज मिनी वर्ल्ड। आप लोग कैसे हैं? हैप्पी कार्तिक पूर्णिमा टू ऑल ऑफ यू। और आइए, अभी हम जो बोर्ड बनाए थे वो लहराने जा रहे हैं बसाने, तो आइए देखते हैं। ये रेडी कर लिए हैं और वहाँ से बाबू को देखिए। चलो बहलाए हैं और बाबू का है उसका एक टॉप पे पानी भर के उसमें से बहला देंगे, देख सकते हैं। और यहाँ पे बाबू को देखिए, हैप्पी कुमार पूर्णिमा, सॉरी कुमार पूर्णिमा कुछ कार्तिक पूर्णिमा। तो दोस्तों, हमारा तो जो बोर्ड बहलाना हो गया है, अभी चलिए घर का पूजा कंप्लीट करके आपसे मिलते हैं, या पूजा करते करते आपसे बात करते हैं। आइए मिलते हैं आपके साथ।
चौड़ा मुहूर्त, तो आइए यहाँ भी पूजा कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं मेरा पूजा करना कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे बाबू खेल रहा है। अभी हम चावल बना के मम्मी पापा को देते हैं, तो चलिए। तो देखिए दोस्तों, सुबह का नज़ारा कुछ अलग होता है। उधर देखिए गौ माता सोए हुए हैं और इधर मेरा झोटी का काम चल रहा है। झोटी बनाने के बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ। तो आप लोगों का कार्तिक पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा बहुत सारा शुभकामनाएं शुभेच्छा। तो आज कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं हम ब्रेकफास्ट में, तो आइए मिलके बनाते हैं और आगे आगे देखते हैं मैं कैसे क्या बना। मेरा कढ़ाई गर्म हो गया, अभी हम इसमें तेल डाल देते हैं। तेल गर्म हो गया, अभी हम खड़े मसाले डाल देंगे। ये तेजपत्ता, इसमें जीरा। तो हम सभी सादा में बना रहे हैं, आप चाहे तो प्याज लहसुन भी दे सकते हैं। दो सूखी मिर्च, फिर हम इसमें दो मीडियम साइज़ का टमाटर कट के लिए हैं, ये देखिए। तो इसे चलाते रहेंगे नरम होने तक। इसमें थोड़ा सा नमक दे देते हैं ताकि जल्दी नरम हो जाए। अब आप इसमें मिर्ची का पाउडर डाल दें, हल्दी पाउडर, इसे अच्छे से चलाइए। अच्छा, चलाते रहिए नरम होने तक। यहाँ पे टमाटर का सब पानी निकल रहा है, देख सकते हैं नरम हो गया है। अभी हम इसमें एक चम्मच जीरा और अदरक का पेस्ट डालेंगे, क्योंकि हम बिना प्याज लहसुन के बना रहे हैं। इसमें भी थोड़ा सा पानी एक चम्मच के करीब मिला के डाल देंगे। इसे अच्छे से अभी चला लेते हैं। देख सकते हैं सब्जी का कलर कितना सुंदर है। इसलिए मैं बोलती हूँ हमेशा प्याज भूनने के बाद मिर्ची और हल्दी का पाउडर देना चाहिए, और हम तो टमाटर भूनने के साथ ही दे दिए। देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आ रहा है। मेरा साइड से तेल छूट रहा है, अभी हम आलू बॉईल किया हुआ आलू अभी हम डाल देंगे। अभी इसे अच्छे से चला देंगे, देख सकते हैं कलर। इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि पहले हल्दी और जो मिर्ची का पाउडर ये डाल देना, क्योंकि अच्छे कलर आता है सब्ज़ी में। आपको आर्टिफिशियल कुछ वो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर की फूड कलर कुछ डालना नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं ऐसे ही बोलती हूँ, क्योंकि फूड कलर हमारा शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है दोस्तों। देख सकते हैं तो आलू भी अच्छे से हो गया है। अभी हम ये जो छोले जो भिगो के रखे थे बॉयल करके, इसके पानी के साथ ही इसमें डाल देंगे। अभी हम और थोड़ा पानी डालेंगे, आप अपना कंसिस्टेंसी के अनुसार ही पानी डालेंगे। अभी इसे छोड़ देते हैं, अपने आप ही हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कलर इसका, तो अभी ये हो गया है। इसमें अभी धनिया पत्ता दे के अभी इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं बॉल में। देख सकते हैं, देखिए अभी इसमें थोड़ा सा ये दोस्तों देसी धनिया पत्ता है शायद, थोड़ा सा देने से अच्छा स्मेल होता है। अभी इसे अच्छे से मिला के 5 मिनट फिर उबलने देते हैं, क्योंकि ये धनिया पत्ता ना दोस्तों जल्दी नहीं नरम होता है, थोड़ा सा देरी लगता है। अभी देखिए
दोस्तों ये हमारी चटनी बनके तैयार हो गई है। ऐसे नया नया रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन भी हिट कर दो ताकि नए नए वीडियो आने से आपके पास नोटिफिकेशन जाए। यहाँ पे डोसे का प्रिपरेशन चल रहा है, देख सकते हैं ये हो गया है, पलट लेते हैं। और यहाँ पे मेरी प्लेट रेडी है, डोसा चटनी छोले आलू की सब्जी। आइए ब्रेकफास्ट करने का बात। तो हैप्पी कार्तिक पूर्णिमा टू ऑल ऑफ यू। तो ये है हमारा फाइनल लुक झोटी का। तो दोस्तों कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हुआ है, उसे आप लोग इग्नोर करना। और देखिए ये रहा हमारा झोटी। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे मैं ब्लॉग को ऐड करती हूँ। तो आप लोगों को कैसे लगा कार्तिक पूर्णिमा का ब्लॉग? और जो जो मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और सब्सक्राइब बटन के पास एक बेल आइकन होगा, उसे भी क्लिक कर देना ताकि मैं कुछ वीडियो आने से आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाएगा। बाय बाय दोस्तों, जय जगन्नाथ।